हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजितेंद्र। फ्रेंड, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग वर्क तथा वर्कमूल में कैसे, यानी कि बहुत ही बेसिक मेथड से कैसे स्टार्ट करते हैं और ट्रिकी मेथड शॉर्ट ट्रिक्स कैसे उस पर अप्लाई करते हैं, उस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हमें अगर वर्क और वर्कमूल अगर आसानी से निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसी क्रम में फ्रेंड्स, हमने आज जो टॉपिक लिया है ये है घातांक एवं करणी, जिसे इंग्लिश में इंडिसेस एंड सॉर्ट्स कहते हैं। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही, जितने भी एग्जाम हम बात कर लें जैसे कि टेट सीटेट, तो नॉर्मली इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने 100% तय हैं। और इसके अलावा भी, यानी कि जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी आपको इसके, यानी कि वनडे कोई भी एग्जाम्स अगर यूपीपी ले लें तो इसके क्वेश्चंस वहां पे आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं कि एक दो क्वेश्चन कम से कम आपको सर्ट से मिल ही जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वहां पे, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए कुछ इसके जो इसके नियम है, लॉज है, उससे अगर हम जान लेंगे तो हमें, यानी कि वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस क्या, यानी कि इसके नियम क्या है, जो घातांक है इसके नियम क्या है। सबसे पहले हम घातांक की बात करते हैं, और घातांक की जब बात करते हैं, घातांक मतलब पावर्स यानी इंडिसेस जो भी होते हैं, तो इसके लॉज क्या होते हैं। तो घातांक के फ्रेंड्स लॉज बताया गया, फर्स्ट लॉ इसका है कि इफ यम की पावर ए इंटू यम की पावर बी इंटू यम की पावर सी, यानी यम का घात ए, यम का घात बी, यम का घात सी, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यम। क्यों? क्योंकि बेस सबका सेम है, बेस सबका यम 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 है, पावर अलग अलग डिफरेंट है, बट जो बेस है, आधार है, जो यम, वो सेम है। इस वजह से इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यम यानी बेस यम का होल पावर, यानी जितने भी पावर हैं उन सभी को आप ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर इसके हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर आपका हो गया 5, 4, 9, 3, 12, 2 की पावर 12 हो गया। ये इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट आपका लॉ। सेकंड लॉ इसका क्या है फ्रेंड्स, कि यम की पावर ए डिवाइडेड बाय यम की पावर बी, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, यानी 3 के पावर, यानी कि बेस सेम है, यम है, ये बेस सेम है, और जब बेस सेम है और पावर और बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है 4 माइनस 3, और बेस आपका 3 का 3 रहेगा, लेकिन पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 4 माइनस 3 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 3 की पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि जो थर्ड इसका लॉ है वो क्या कहता है, तो फ्रेंड्स जो थर्ड लॉ है, यानी यम की पावर ए की पावर बी, यानी यम की पावर ए का होल पावर बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यम की पावर ए इंटू बी। जैसे इस पर अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 4 की पावर लिखा हुआ है 3, अंदर लिखा हुआ 3 और बाहर लिखा हुआ है 6/9, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर आप लिख सकते हैं 3 × 6/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, समझ रहे हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2/1, यानी कि ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी, या 4 की पावर 2 मतलब 16 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो समझ में आया कि जब पावर, यानी कि क्या है, ए की पावर, यानी कि क्या लिखा हुआ, यम की पावर ए की पावर बी, तो ये क्या हो जाते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 × 6/9 हो गया, और फिर मल्टीप्लाईकेशन में आप देख रहे हैं कट हो सकता है, तो इसको कट कर दिया, तो इसको सॉल्व करने की वैल्यू इसकी ये आ गई। तो ये क्या है, ये यानी कि इंडिसेस के लॉज हैं, यानी कि नियम है, जो 3 नियम इसके मुख्यतः होते हैं, ये 3 नियम आपके इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो इंडिसेस है घातांक, इसके उपनियम क्या है, सब लॉज कहते हैं इसको। सब लॉज क्या है, तो सब लॉज, ये फर्स्ट जो सब लॉज है ये कहता है कि अगर, यानी कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 कुछ भी, और सबकी पावर अगर होल पावर यक्स लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए की पावर यक्स इंटू बी की पावर यक्स इंटू सी की पावर यक्स इंटू डी की पावर
यक्स इनटू और भी अगर आगे डिजिट है तो इस तरह से आप इस क्रम में लिख सकते हैं। ये क्या है, ये घातांक के यानी कि इंडिसेस के सब लॉज हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर यानी कि जो इसका सेकंड जो उपलॉज है यानी सब लॉज है ए की पावर यक्स, ए की पावर यक्स को आप कैसे लिखते हैं, वन अपॉन ए की पावर माइनस यानी कि ए की पावर माइनस एक्स के फॉर्म में आप लिखते हैं। जैसे इसकी बात करें कि इसका अगर हमें एग्जाम्पल देखना है तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं इसका कि अगर लिखा हुआ है थ्री की पावर फाइव तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री की पावर माइनस फाइव, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स है तो वन अपॉन ए की पावर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अगर थ्री की पावर फाइव है तो यानी कि वन अपॉन थ्री की पावर माइनस फाइव के टर्म में इसे लिखा जा सकता है। या अगर इस तरह से है कि ये पावर माइनस एक्स अगर ये पावर माइनस फाइव में है तो नीचे जाएगा तब ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट इसका सब लॉज है फ्रेंड्स, क्या कहता है कि अगर ए की पावर जीरो है यानी अगर ए की पावर जीरो है और ए की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। और लेकिन कहा गया है ए जो है ये की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है अगर बात करें एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो फ्रेंड्स जैसे एग्जाम्पल इसका ही हो जाएगा, अगर लिखा हुआ है कि 394 की पावर जीरो तो कोई भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, इसकी वैल्यू वन होगी। लेकिन ये कहा गया अगर जीरो की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसके लिए यानी कि संभव नहीं है, इसकी बात नहीं की गई। बता दिया गया है कि ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए यानी यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जीरो के जगह पे होगा। अगर अगर यहां पे थ्री होता, थ्री की पावर जीरो होती तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाती, इसकी वन हो जाती। नेक्स्ट फ्रेंड्स की बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसका सब लॉज फोर है उसमें कहा गया, जो इसका उपनियम फोर्थ है इसमें कहा गया अगर ए अपॉन बी की पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बी अपॉन ए की पावर माइनस यक्स यानी पावर में चेंज हो सकता है। जैसे कि इसको बताया था सेम इसी तरह से ये है, जैसे लिखा हुआ है थ्री बाई फोर की पावर माइनस फाइव, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको फ्रेंड्स फोर बाई थ्री की पावर फाइव लिखा जाएगा, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो इसका फिफ्थ लॉज है, फिफ्थ सब लॉज है, वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो फिफ्थ सब लॉज है वो कहता है कि अगर ए की पावर एक्स है, अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू यानी बी की पावर वन अपॉन एक्स लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं इस वाले पार्ट का, तो जैसे लिखा हुआ है कि टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री इक्वल टू एट, यानी ये होता है टू की पावर थ्री इक्वल टू एट होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं टू इक्वल टू एट की पावर वन अपॉन थ्री, यानी ये जो पावर इधर से जाएगा तो उधर वन अपॉन में लग जाता है पावर, तो ये वन अपॉन थ्री इस तरह से लिखा जा सकता है, ये इसका यानी कि सब लॉस होता है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स कि अगर लास्ट जो है इसका ए की पावर अगर एक्स अपॉन वाई है या ए की पावर अगर एक्स अपॉन वाई है तो इसको चाहे आप इस तरह से लिख सकते हो, ए की पावर एक्स अलग ले लो और बाहर वन अपॉन वाई ले लो, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले ही बात किया है कि जैसे यहां पे होता है कि m की पावर a की पावर b तो उसी तरह से यहां पे होता है a की पावर x और अपॉन y है, तो x हमने अलग कर दिया क्योंकि x अपॉन y को हम x इंटू वन अपॉन y में लिख सकते हैं, तो x को हमने अंदर ले लिया और वन अपॉन y को बाहर ले लिया, और चाहे वन अपॉन y को अंदर ले लें x को बाहर ले लें, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो इसके एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है थ्री की पावर, ये लिखा हुआ है 2 बाई फाइव, थ्री की पावर अगर 2 बाई फाइव लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो कि 3 की पावर 2 ब्रैकेट में और 1 बाई फाइव बाहर लिख सकते हो, या इसको 3 की पावर 1 बाई फाइव ब्रैकेट में या 2 बाहर लिख सकते हो, इस तरह से इसको यानी कि इस फॉर्मेट को आप एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से देख सकते हो, ऐसे ये लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे इसके सब लॉस, अब हम बात करेंगे, ये तो हम इंडेसेस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कर्णी, जिसे हम इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं, कर्णी क्या होते हैं। फ्रेंड्स कर्णी वे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका हम रूट्स यानी कि जिसका मूल हम साधारणतया नहीं निकाल पाते, सामान्यतया आसानी से नहीं निकाल पाते, उसे हम कर्णी कहते हैं और उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे अगर कहा गया कि थ्री का आपको
क्यूब रूट निकालना है, तो 3 का क्यूब रूट यानी कि साधारण इस वैल्यू को निकालना थोड़ा सा आप निकाल लेंगे, लेकिन साधारण यानी कि जो इजी वे होता है उस तरीके से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से इसको कर्णी यानी सर्ट्स के पार्ट में ग्रुप में डाल दिया गया। तो इस तरीके के नंबर जो भी होते हैं, जो डिफिकल्ट जिनके यानी रूट्स निकालने जिसमें डिफिकल्ट होते हैं, उसको हम कर्णी कहते हैं। अब कुछ कर्णी के गुण दिए गए हैं, प्रॉपर्टी जिसे क्या है, जैसे लिखा हुआ है अगर ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अगर यानी कि ये कॉमन आपको दिख रहा है सब में, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी रूट सब में कॉमन आ रहा है तो रूट एक्स को कॉमन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ऐसे इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे यानी कि नंबर डिजिट जो भी है, अगर रूट के फॉर्मेट में ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन उसमें लिखे हुए हैं, तो आपको इसको लिखने का तरीका, अगर ये अलग अलग रूट्स लगे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको यानी कि आप एक ही रूट के अंदर ही सभी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ये इसका तरीका होता है, इसको लिखा जा सकता है। यहीं पर आप चाहें तो कोई नंबर लग के लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट फाइव, ऐसे कोई भी नंबर आप इसमें लिख सकते हैं, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन टू द थर्टी, यानी अंडर रूट 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी इन्हें इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है सर्ट्स की। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, तो हमने कहा जब रूट ए और डिवाइडेड बाय रूट बी है, दोनों रूट में है और रूट दोनों के सेम है, यानी कि यहां अगर थ्री है यहां भी थ्री है, तब के लिए जब दोनों ये सेम है, तब आप क्या करते हैं इसको यानी कि रूट में लिखकर ए डिवाइडेड बाय बी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को एक साथ एक रूट के अंदर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका ये कि अगर रूट में ए बी लिखा हुआ है, यहां पे कोई यानी कि क्यूब रूट है, फोर रूट है, फाइव रूट है, यहां पे ये क्या है, अगर यहां पे लिखा हुआ है और ये साथ में, तो इसको फ्रेंड्स आप अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे हमने कहा कि अगर ये दोनों यानी अलग अलग है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, उसी तरह से अगर एक साथ है दो तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को कि रूट थ्री इंटू रूट फोर, और यहां पे थ्री लगा हुआ है तो क्यूब रूट आप दोनों में लगा के इसको अलग अलग लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, इसमें कहा गया कि अगर लिखा हुआ है ए अपॉन बी और इसका अंडर रूट जो लगा हुआ है यक्स रूट इसका है, तो यक्स रूट है और ए अपॉन बी, तो हमने कहा जब इसको अलग अलग लिख सकते हैं तो अपॉन बी में है, तो अपॉन में भी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी अलग अलग रूट इसका ले सकते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही साथ रूट के अंदर है तो इसको आप अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ऊपर नीचे आप फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पर कोई नंबर रखना चाहे तो नंबर रख के आप चेक करके नंबर से आप कर दीजिए, इसका एग्जाम्पल आप वहां पर मिलेगा आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर यहां पर लिखा हुआ है कोई भी, अगर यहां पर रूट लगा हुआ है और रूट कौन सा, वाई रूट मान लिया, वाई रूट है, देखिए ये नंबर यहां पे यहां नहीं लिखा हुआ है, अलग नहीं है, ये रूट में लिखा हुआ है, तो वाई रूट है इसका और अंदर कोई यानी कि नंबर ए है और उसका यक्स रूट है, तो जब रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट के ऊपर फ्रेंड्स अगर रूट लगा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, यानी यक्स इंटू वाई रूट एक ही साथ में, इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके इसका लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई ये करके। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है 63 और 63 का यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट और इसके बाद यहां पर बाहर लगा हुआ है फ्रेंड्स इसमें फाइव रूट, तो इसको आप लिख सकते हैं 63 और इसका 5 इंटू थ्री यहां पे 15 रूट इसका लगा सकते हैं, 15 रूट करके इसको आप बता सकते हैं कि ये इसका ऐसा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यानी इसके आपके क्या है कि ये जो 6 इसके यानी कि जो प्रॉपर्टी है सर्ट्स के कर्णी के, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसी आधार भी इसी पर बेस्ड यानी कि एक अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है जिसको आप देखेंगे, और हमने हाँ कहा आप लोगों से कि टेट सीटेट का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लोगों को बताएं, कमेंट करें, आपस में लोगों को बातचीत करें और बताएं कि यानी कि इससे आपको टेट सीटेट का बैच यानी आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है, तो आप लोग उसके लिए अलर्ट रहे, तैयार रहें, और इस पर जितनी भी आप तैयारी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो को एक बार देखते हैं नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप दोबारा इसको देखिए, कम से कम उसको दो बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।